हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कुक विद आलिया के किचन में। तो चलिए आज एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पास्ता ले लिया है, ये देखिए, और इसे हम आज कुकर में बनाने वाले हैं। तो कुकर में हमने ऐड कर दिया है और एक कप पानी का ऐड कर दिया है। चलिए कुछ मसाले और वेजीज ऐड कर देते हैं। छोटे साइज़ का एक टमाटर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और एक छोटे साइज़ की प्याज, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम कुकर में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब बारीक कटिंग कर हमने ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी पास्ता हमारा बनकर रेडी होगा। और अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं, आप चाहें तो बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें मैगी मसाला हो आपके पास तो वो ऐड कर सकते हैं, हम इसमें पास्ता मसाला ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको जितनी क्वांटिटी में पास्ता बनाना हो आप उतना ही इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स कर लिया है। अभी हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें चार सीटी ले लेंगे। ये देखिए चार सीटी लेने के बाद हम आपको खोल कर दिखाते हैं ये किस तरह से हमने पास्ता बनाकर रेडी कर लिया है। प्रेशर आउट हो जाएगा इसका, फिर हम इसे खोल लेंगे। ये देखिए हमारा यम्मी सा डिलीशियस सा पास्ता बिल्कुल बनकर रेडी है। अभी एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कितना यम्मी सा हमारा पास्ता बिल्कुल बनकर रेडी है। अभी हम इसे सर्व कर आपको दिखाते हैं कि हमने इसे किस तरह से सर्व कर लिया है। ये देखिए टोमेटो केचप के साथ हमने इसे सर्व कर लिया है। अगर आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब ये पास्ता आप लोग अपनी फैमिली के साथ बनाकर ज़रूर इंजॉय करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए कितना यम्मी सा डिलीशियस सा हमारा पास्ता बिल्कुल बनकर रेडी है। अब आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ बनाकर इंजॉय करें। आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश, परिवार में सब खुश। और यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।